प्रदेश में 15 सालों तक राज करने वाली भाजपा को कांग्रेस ने सत्ता से बाहर कर दिया। वहीं सत्ता में एक बार फिर वापसी के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा ने परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की। वहीं प्रदेश के सभी विधानसभा में जाकर भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए लोगों का समर्थन मांगा, जिसके चलते भाजपा का परिवर्तन यात्रा धमतरी जिले पहुंची। इस यात्रा में भाजपा के नेता ब्रजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा सहित अन्य नेता शामिल हुए, जहां पुरानी कृषि उपज मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और भूपेश सरकार पर कई घोटाले करने का आरोप लगाया। इस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, उसका विधानसभा चुनाव भी भाजपा पालन करेगी। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नया खून, उसको मौका मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, और नई पीढ़ी हमेशा नया खून आते रहा है और हमेशा आगे भी नया खून आता रहेगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें नए लोगों को महत्व मिलता है प्रश्न में।